आप ऑप्शन फॉर्म कैसे भरेंगे? देखिए यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है जो आपकी मार्कशीट में है क्लास 10th की। फिर आपको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भरनी है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है CBSE का, और फिर आप यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, इनमें से जो आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो आप फिल कर देंगे। फिर मार्क्स ने सब्जेक्ट जो एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड है ना वो आपको भरने हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि अगर आप साइंस विद मैथ ले रहे हैं तो आप इन तीनों में कितने कितने मार्क्स लाए हैं वो यहाँ पर आप भर देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 4 ही क्यों दे रखे, 5 हमें 3 ही चाहिए जो मेन मांगे हैं। ठीक है, वो तो आपने यहाँ पर अपना सब बता ही दिया होगा कि आप क्या लेंगे। ठीक है, और ये लिखा ना मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आपको 3 भरने हैं, आप चौथे का भर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपके पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपके होंगे। ठीक है, फिर ये आप जब जमा करेंगे तो ये वो आपको भर कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, आप किसके सन हो किसके डॉटर हो, यहाँ पर आपके माता पिता जिसका भरना चाहते हैं। ठीक है, एज ऑप्टेड फॉर कौन सी स्ट्रीम भरी है, आपने आर्ट्स भरी है कॉमर्स भरी है, जो ऊपर ऑप्शन दे रखी है वो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इनमें से जो आपने लिया है। ठीक है, और यहाँ पर डेट, यहाँ पर सिग्नेचर, ये आपके टीचर्स का काम है, वो वही करके आपको रसीद दे देंगे। ठीक है, फिर वो आपको बता देंगे कि कब आपका जो है नंबर आएगा, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कब आप स्कूल में जाकर पता करेंगे। तो मैंने मोस्टली इस पूरे PDF के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, ये सारा उनका काम ऑनलाइन है, फिर आपको बता दिया जाएगा, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। ठीक है, तो बस इतना था, मतलब आपको अलग अलग स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।